नमस्कार दोस्तों, मैंने काफी खंगाला लेकिन किसी न्यूज चैनल पर इसके बारे में डिस्कस हुआ हो मुझे नहीं मिला अभी तक। अगर आपको मिला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जनरली ये जो गोदी मीडिया है, हिंदू मुस्लिम या जातिगत, इन सब बातों पर दिन रात डिबेट करती रहती है, लेकिन इस समय भारत के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कोई भी डिबेट नहीं कर रहा है। दोस्तों, 3 अप्रैल को राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन ये पूछा था श्री रीता ब्राता बनर्जी जी ने, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये बताएंगे कि क्या ये फैक्ट है कि अब तक 2.4 लाख करोड़ का पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा माफ किया जा चुका है क्या, और अगर ऐसा है तो उनकी डिटेल्स। आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा कि यस, फ्लोर पर इसका आंसर दे दिया गया है और ये एग्री किया है सरकार ने कि सितंबर 2017 तक, पिछले साल की सितंबर तक, 2014-15 से लेकर 2,41,911 करोड़, यानी कि समवेयर अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए रिटर्न ऑफ कर दिया गया है इन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का। अब देखने में तो एक छोटी सी ये हेडलाइन लगती है कि यार 2.5 लाख करोड़ का एनपीए माफ हो गया, चलो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2.5 लाख करोड़ रुपए होते कितने हैं। दिल्ली का इस साल का बजट था 41,000 करोड़, यानी कि अगले 6 सालों तक ये 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर दिल्ली की सरकार को मिलते, फॉर एग्जाम्पल, तो अगले 6 सालों तक दिल्ली की सरकार अपना बजट चला सकती थी जनता से 1 रुपया भी टैक्स वसूल किए बिना। आप समझ रहे हैं ये 2.5 लाख करोड़ रुपए कितनी बड़ी चीज है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये जो सरकार है, जो हमेशा कहती रहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या करप्शन के खिलाफ हम बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं, आपको ये पता ही होगा कि इन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। अब लोग या कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज को छुप छुप कर भी डोनेशन दे सकती है बॉन्ड्स के द्वारा, और फॉरेन फंडिंग का भी इन्होंने 1976 से ये प्रावधान ले आए हैं अगर उनकी सब्सिडरी इंडिया में हो। तो आप ये सोचिए कि जिन कंपनीज को ये एनपीए रिटर्न ऑफ कर रहे हैं 2.5 लाख करोड़ का, अगर वो 10% भी बेनिफिट पास करना चाहे इन पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो 20,000 करोड़ के आसपास हो जाता है, और ये बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों, आप लोगों की, हम लोगों की गाड़ी, खून पसीने की कमाई ऐसे ही लोगों में बांटी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों में बांटी जा रही है। तो आप ये बताइए, देश तरक्की कैसे करेगा? सिंपल सा सौदे हो रहे हैं कि यार एक काम करो, 5% यहां खिसका देना, बाकी काम माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार में से कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, गोदी मीडिया सो रही है, इस पर आपको डिबेट करना नहीं, और लोगों को इसमें इंटरेस्ट है नहीं, उनको तो हिंदू मुस्लिम और जातिगत राजनीति है, उसी में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये राज्यसभा में एग्री किया गया है कि 2.4 लाख करोड़ रुपीस का एनपीए माफ हुआ है इस पीरियड के बीच में। कुछ लोग बार बार इसको ये भी कहते हैं कि ये तो रिटर्न ऑफ हुआ है, रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि माफ हुआ है। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर रिटर्न ऑफ का मतलब माफ नहीं होता तो एक काम कीजिए, हमारे देश के सारे किसानों का जितना भी लोन है, हमारे वर्किंग सैलरी क्लास के जितने भी लोगों का होम लोन है, वो भी आप रिटर्न ऑफ ही कर दीजिए। दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस, द निटी ग्रिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट, व्हाट दे आर डूइंग। देयर इज अ बिग डिफरेंस व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। और अगर कोई भक्त आपको ये समझाने की कोशिश करे कि ऐसा नहीं है, तो आप उनको ये डेटा बता सकते हैं। आप ये देखिए ना, पिछली सरकारों से क्या डिफरेंस रह गया है। सरकार से कहा गया कि, सुप्रीम कोर्ट ने रेदर कहा कि आप इनके नाम डिस्क्लोज कीजिए जितने भी लोन डिफॉल्टर हैं, लेकिन इनके नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं।
आप ये सोचिए कि एक आम आदमी ने अगर कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया जाए तो बैंक की रिकवरी वाले उनके दरवाजे पर आके खड़े हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले में उनका कचरा कर देते हैं, और इतने बड़े बड़े हजार करोड़ों के लोन डिफॉल्टर्स का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण एक ये भी है ना, ताकि वो डील कर कर बाद में भाग जाए। हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल तो है ही, छोटा मोदी साहब, माल्या साहब, है कि नहीं? सो गाइस, इट इज अप टू यू, जाग जाओ वरना ये सारा देश लूट के खा जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, लड़ते रहना, देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको शेयर कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आस्क योर फ्रेंड्स दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, somebody is saying 8.55 lakh करोड़ बैड एसेट, यस है, बैड एसेट है, राइट। लेट मी जस्ट एड्रेस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है, फार्मर्स आर लिविंग लाइफ ऑफ हेल, यस दे आर, एवरीवन शेयर नाउ। ओके, यस गाइस, सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं आई विल ट्राई टू आंसर देम व्हेन आई एम फ्री। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन।